कलगीधर महाराज का दरबार लगा होया सी। नारद मुनि जिस तरह लिखिया है किसी साधु का रूप धार के आया, आण के दसवें पातशाह जी ने पांच खंभ भेट किए ते बेनती कीती, नमस्कार कीती, वंदना कीती ते जानी जान दसवें पातशाह ने आख्या महाराज ताडे ते दर्शन ही काफी आ, भेटा लियाउण दी की लोड़ पई है। तां महारिषि ने बेनती की साधु दे रूप दे विच भी महाराज ये शास्त्र की मर्यादा ते सियाणे बंदे ओ हुंदे जिहड़े मर्यादा बदलदे नहीं आ। इस करके शास्त्र कहिंदा है भी जे वैद कोले जाइए, गुरु कोले जाइए, राजे कोले जाइए तां कुछ ना कुछ लै के जा, भावें कि देना उन्हें ही आ सब कुछ तेनों पर एक मर्यादा। इस करके मैं ये पांच खंभ लैके आया तो कहन लगे भी इन्हां दी खासियत की है। सच्चे पातशाह ये हमायू पंखी दे खंभ दे, एक पंछी है जिहड़ा कहिंदे ने बहुते विद्वान ते कहिंदे रूहानीयत दा पंछी है ते दसवें पातशाह जफरनामे च लिखते जिहड़े बंदे दे उत्तों दी लंघ भी जावे ना वह बादशाह बन जाता, ये पंछी है कहिंदे ते लगातार उड़दा ही रहिंदा है। एक वारी मैं खोज करन दी कोशिश भी कीती सी कि अजकल साइंस दा युग है, उहदे च भी एक अद्धे पंछी दा ऐसा जिक्र आउंदा जिहड़ा बहुत ज़्यादा चिर उड़दा ही रहिंदा है क्यों किंतु परंतु बड़ा होने लग पाया ना। तो उत्थे फिर इहदी खासियत की, इहदी तसीर की, महाराज जी ये हमायू पंछी दे खंभ ने ते तुसी जोधियां दे रूप दे विच विचरदे पए हो ते आप जी नूं शस्त्रां दा बड़ा शौक आ। इस करके मैं सोचिया भी केड़ी गल ते गुरु साहब प्रसन्न होणगे, इस करके सच्चे पातशाह तीरां दे नाल जड़न वास्ते खंभ लैके आया। ते खासियत यह है भी जिहड़े तीर नाल जड़ के इहनूं चला दईए ये फिर तीर वापस नहीं आउंदा, हमायू पंछी दे देश चलिया जांदा है। बड़ी सोहणी उदाहरण है, दृष्टांत बहुत सोहणा है। दसवें पातशाह ने सिखां नूं आख्या कि भाई सिखो आ चको पंज तीर ते इन्हां दे नाल आ पंज खंभ जड़ के लियाओ। वह पंज खंभ जड़ के तीर लैके आए, मेरे सतगुरु बड़े कौतक करते ने अज उन्हां दी बदौलत इन्ने भाईचारे इकट्ठे हो के बैठे ने। नहीं तो किसी ने इहो जिहा जतन नहीं किया कि मानस की जात सब है एक है पहचान वो। सतगुरु ने सिखां नूं आख्या भी मैं तीर छड्डांगा ते तुसी निगाह रखनी आ ते जिथे तीर जावे फड़ के लै के आउणा। पांच सिख कहिंदे बड़ी दूर तक महाराज ने खड़े कीते भी हद भी उतों अगे तीर जा नहीं सकदा, जिन्ना मर्जी कोई बली होवे सूरबीर होवे। तां महाराज कहण लगे भी खड़े हो गए, कहिंदे जी हाँ, इशारा कर दिता तां कहिंदे महाराज कहिंदे आउण लगा जे फिर पहला। तां वाहिगुरु गुरु नानक देव साहब नूं याद करके पहला तीर महाराज ने असमान च छड्डिया। जांदा ते दिखिया
पर वापस आउंदा कहिंदे पंजां चों किसे नूं नहीं दिखे। दूसरा तीर छड्डिया, तीसरा छड्डिया, हुण सिख भी बड़े चकन्ने हो गए, उन्हां ऐ निगाह गड्डती भी इदां कितां फिर होऊगी। जांदा ते देखदा सी पर आउंदा किसे नूं ना दिखे। इदां पंज तीर छड्डे ने सच्चे पातशाह, बड़ी मेहनत की, बड़ा जतन किया, बड़ी भाल की, पर वह पंजिया चो एक बना लब्बा सिखा। ते महाराज नूं आण के बेनती की, महाराज तीर लभदे नहीं, कहिंदे तुसीं निगाह नहीं रखी, कहिंदे जी रखी। चंगी तरह लब्भे नहीं होने, कहिंदे नहीं महाराज बहुत चंगी तरह लब्भे ने, पर सच ही है भी तेरे कौतक तू जानदा है, जांदे देखदे ने आउंदे नहीं देखदे। इहो जिहा तीर ते असीं वेख्या ही नहीं जिंदगी च। अखीर जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे तीर वापस ते मुड़ूगा ही। जिहड़े आसमान नूं छड्डे ने तां उत्थे महाराज ने आख्या भी कोई नहीं आओ सारे दीवान दे विच, तां सारे सिखां नूं संगतां नूं इकट्ठा करके आख्या ये हमाऊ पंछी दे खंभ दे, इन्हां दी तसीर ये आ भी जिहड़े तीर नूं लग जाण, जे वह तीर छड्डिया जावे तो वह वापस नहीं आउंदा, हमायूं दे देश चलिया जांदा। ये एक खंभ की खासियत आ, क्यों तो कहना भी खंभ विकांदड़े जे लहां कि ना सावी तो लो, बड़ी सोहनी सागी रल जाती। इस तरह गुरु के सिखो, ये आ एक उदाहरण, पर असली खंभ की आ रब का नाम। जे तो अपने मन के नाल इनू जड़ लोगे, हिरदे च वसा लोगे, तो जिमें हमायू पंछी के खंभ तीरां नू किथे लै गए, हमायू दे देश, तो फिर जे वाहिगुरू का नाम हिरदे च वस जाएगा तो किथे लै के जाएगा सानू। तो महाराज कहिंदे वाहिगुरु के देश चले जाओ। ये किदी ताकत है? वाहिगुरु के नाम की। तां दसवें पातशाह कहण लगे खालसा जी नाम जपो, जे जप सकते हो नाम का प्रताप वेखो, नाम रहो साधु रहो रहो गुरगो बिंद कहो नानक जगत मैं किन जपियो गुरबंत। ता महाराज ने फिर इत्थे नाम की महिमा की है। महाराज कहिंदे जिमीदार बहुत होणगे, भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी समुचे मेरे बुजुर्ग बैठे ने गुरमुख प्यारे।